एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सभी हंस सतलोक चलेंगे। एक से अनेक हो गए कोई नारे नारे मजहब धर्म बन गए, ये पुनः अनेक हो एक वह सब एक होंगे, और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। कहते सतनाम को लेकर सब सतलोक चले जाएंगे, घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सब बरते सहज सुभाए। कहते हैं घर घर बोध मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी पुण्यात्माओं, आज ज्ञान गंगा बरवाला आश्रम सतलोक आश्रम और इस दास का नाम घर घर में चर्चा हो रही है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, और घर घर ज्ञान बांटा जा रहा भगवान का। अब परमात्मा कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये ज्ञान घर घर चलेगा दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के, ये लिखण में प्रिंट है गड़बड़ है, सोई और बरते सहज सुभाए। अब तो आप ये दास देख रहा है या कैसे दोनों हाथ बच्चे दान कर रहे हैं, इतने अनमोल मिशन को सफल करने में ये कितना सहयोग दे रहे हैं। पहले तो हमारी नीत थी दुनिया को लूटने की, और अब हमारी नीत बन गई लूटने की। कबीर साहब कहते हैं कबीर आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होगा और ठगे दुख होए। अब हमारे भगवान के फार्मूले का पता लगेगा, हम किसी को दुख देंगे तो हमें उससे हजार गुना दुख भोगना पड़ेगा, असंख्य जन्मों तक धक्के खाएंगे, कभी उसके गधे बनेंगे, कभी बैल बनेंगे, कभी कुत्ते बनेंगे। क्यों? हम भगवान से मांगेंगे और इस भक्ति से वो हमें रिच कर देगा, भक्ति से भी रिच, और यहाँ के भौतिक जो साधन आवश्यक आपको होंगे वो भी सारे देगा। तो हम क्यों ना उस एक के भिखारी बन जाए, जन जन के साथ बकवाद करें। तो परमात्मा कहते हैं सब नर नारी शुद्ध तप कति आत्म निर्मल हो जाएगी, और बरतें सहज स्वभाव, प्यार से रहा करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। अपना से कोई अनजान पने में गलती से कोई गलती कर भी ले हमारे साथ, हम नहीं दुख दे सकते उसको। तो यहां कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुभाए। कहा उग्र का शूद्र हो हर हर सबकी भव भीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में, चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहां कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएगी, और वहां सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहुत संख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो हर सबकी भव भीर, अरसो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वह ऊंच नीच नहीं रहेगी।